लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो तीन बदमाश हैं जो चंडीगढ़ से लुधियाना गैंग वॉर अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वारदात से पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक वरना कार में सवार होकर चंडीगढ़ से लुधियाना में गैंग वॉर की फिराक में आ रहा शातिर बदमाश पंकज राजपूत, दो साथियों अपूर्व चोपड़ा और चेतन मिश्रा के साथ समराला में पकड़ा गया। तीनों के कब्जे से पुलिस ने 3 पिस्टल 30 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों पर पहले से नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल इस मामले का लिंक जेल से जुड़ता नजर आ रहा है। वरना कार सवार आरोपियों को चंडीगढ़ से लुधियाना की तरफ जाते हुए पुलिस टीम ने नाके के दौरान हेडो पुलिस के पास रोकने का इशारा किया था, लेकिन कार सवारों ने गाड़ी को रोकने की बजाय भगा लिया। पुलिस ने गाड़ी के आगे बैरिकेड फेंक कर तीनों को काबू कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों ने पिस्टलों व कारतूसों को आगे सप्लाई करना था। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का संबंध नाभा जेल में बैठे गैंगस्टर से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंकज का लंबे वक्त से जालंधर के एक नौजवान से झगड़ा चल रहा है। पंकज ने जालंधर के नौजवान को पीटते हुए उसका पैर तक तोड़ डाला था, जिसके बाद जालंधर के रहने वाले नौजवान ने पंकज से बदला लेने की भी बात कही थी। पंकज रंजिश का बदला लेने की फिराक में था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।